भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप एवं प्रदेश मंत्री महेश जैन के प्रथम चरामा नगर आगमन पर भाजपा मंडल चरामा के कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी के साथ फूल माला पहनाकर नगर के पंडित दीनदयाल चौक में भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि आज 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित अन्य नेतागण चरामा पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष साव ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष साव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवनी एवं उनके देश के प्रति योगदान को बताया। आगे कहा कि उन्होंने जो काम किया है देश की राजनीति को नई दिशा देने का एकात्म मानव दर्शन के रूप में एक नई राजनीति, आज उस विचारधारा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान पंडित दीनदयाल अमर रहे के नारे भी लगाए गए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश लाठिया, सांसद मोहन मंडावी, जिला संगठन प्रभारी निरंजन सिन्हा, जिला महामंत्री ब्रिजेश चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष भरत मटियारा, पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेता, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर, चरामा मंडल अध्यक्ष प्रकाश जोतवानी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रकाश प्यारेलाल देवांगन, नंद कुमार ओझा, महामंत्री ओम प्रकाश साहू, सुशील निषाद, रवि सिन्हा, बंटी ठाकुर, उमा देवी शर्मा, किरण नरेटी, जागेश्वर सिन्हा, भाग्यराम साहू, जय साहू, दुष्यंत साहू, देव कोसरिया, सुखित तीता, गोपाल दुर्गासी, खेम चंद तिवारी, हेम मांडावी, दीपांकर सिन्हा, गजेंद्र नाग, संतोष नाहर, बंटी सबनानी, भाजीमो अध्यक्ष अंकित जैन, लोकेश बारसागड़े, धर्मेंद्र सोनकर, बिहारी देवांगन, परमेश्वर यादव, भोजराज सोनी, धर्मेंद्र कुंजाम, संतोष सोनकर, राजू सोनी आदि कार्यकर्ता शामिल थे। कांकेर से धर्मेंद्र निर्मलकर, सीजी विजन टीवी।